हेलो फ्रेंड्स, दस्तरखान वारसिया में आप सभी का स्वागत है। मैं शाइदा वारसिया। तो आज हमने बनाया है फुलकी की कड़ी। फुलकी जो है ना, जैसे मुंबई में बोलते हैं पकोड़े भजिया, तो इसको हम लोग लखनऊ में कहते हैं फुलकियाँ, जो पकोड़े होते हैं उसको। तो आज हम उसकी बना रहे हैं कड़ी, और कड़ी के साथ जो है गुजराती लोग खाते हैं खिचड़ी। तो ये उनका खाना है, लेकिन ये खाना बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये मौसम चल रहा है अक्टूबर का, और अक्टूबर में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो ये महीने में गर्मी की वजह से हम जो है ऐसे खाने बनाएं जिसमें हमें ठंडे की तासीर मिले। तो ये जो खाना है कढ़ी और जो फुलकी वगैरह उसमें डालकर बनती है, आप बिना फुलकी के भी बना सकते हैं, लेकिन इतनी अच्छी नहीं लगती है। मुझे तो फुलकी वाली ही अच्छी लगती है, तो मैंने आज यही वाली कढ़ी बनाई है। तो चलिए, क्यों वक्त ज़ाया करें और झटपट से ये खाना बेहद टेस्टी, बेहद हल्का फुल्का और एकदम ठंडक देने वाला। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया हुआ है 3 हरी मिर्चें और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा। इसी में मैं डाल रही हूँ एक डंडा जो पूरा था कड़ी पत्ते का, और थोड़ा सा हरा धनिया। इसे हम बिना पानी के ही मिक्सी में चला लेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। तो इसी में मैं अब डालूँगी, हमने निकाला है दही। दही मैं यहाँ पर ले रही हूँ 150 ग्राम, और इसी में मैं यहाँ पर मिक्स करूँगी 50 ग्राम बेसन, और बेसन के अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून चिली पाउडर। मिर्च को आप बड़ा और कम कर सकते हो। हल्दी भी यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून ही लिया हुआ है। नमक लिया है 1 टीस्पून। तो इसे अब दही के पानी में ही हम पीसने देंगे। तो देखिए ये पीस लिया है, तो ऐसा बन गया है ये घोल। इसे अब हम साइड में रखते हैं और अभी पकौड़ी यानी कि फुलकियों की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 3 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 हरी मिर्चें, और इसी के अंदर मैं डाल रही हूँ 1/4 हल्दी पाउडर, 1/4 मिर्च पाउडर, और नमक डाल रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। और बेसन अब इसमें मिलाएंगे हम। बेसन मैंने लिया है यहाँ पर 250 ग्राम, क्योंकि इतने प्याज में जितना आपको बेसन डालना हो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम ही डाला है, और 4 चुटकी में डाल रही हूँ खाने वाला सोडा। और इसको हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे पहले हाथों से, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए एक गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे कि पकौड़ी हमने बनाने के लिए साइड में ऑयल गरम करने रख दिया है। तो देखिए ये हो गया है, तो मैं इसे फटाफट से तलने को शुरू करती हूँ। तो इसे थोड़ा छोटा छोटा डालेंगे क्योंकि सोडे की वजह से ये बड़ी बड़ी फुलके हो जाएंगी, और ये फुलकियाँ बहुत ही एकदम सॉफ्ट ऐसे भी होती हैं, और जब हम इसे कढ़ी में पकाएंगे तो वाओ, इसका टेस्ट तो माशाल्लाह इतना अच्छा होता है, इतना गादी की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट होती ना, वैसे बनेंगी ये फुलकियाँ। तो ये लखनऊ में हम कहते हैं फुलकियाँ, मुंबई में कहते हैं भजिया पकौड़े। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे फटाफट से पलट भी दिया है, और तेज़ आँच पर मैं इस सारे काम कर रही हूँ। तो गैस क्या तेल गर्म था बहुत, तो फटाफट से हमारे पकौड़ियाँ भी यानी कि फुलकियाँ तैयार हो गई हैं। तो बस हो गया है, तो मैं इसे निकाल देती हूँ, ज़्यादा लाल नहीं करना है। कितनी फूली फूली सी बनी है ना। तो सभी हमारी फुलकियाँ यहाँ पर तैयार हैं, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा प्यारा इसका टेस्ट हुआ है। तो चलिए अब इसको बघारते हैं हम कढ़ी को। इसके लिए मैंने लहसुन लिया है, 3-4 लहसुन को बारीक काटा है, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा राई दाना, थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा जीरा, 2 लाल मिर्च और 1 कड़ी पत्ते को पूरा ले लिया है। 4 चम्मच तेल यहाँ गर्म हो चुका है, तो इन सबको मैं इसमें डाल देती हूँ, और इसे हम थोड़ा सा लाल होने तक पकने देंगे। वाओ, बहुत बेहतरीन खुशबू किचन में आ गई। तो ये लाल हो गया है, तो पहले हम डालेंगे पानी। पानी इसलिए डाला जाता है कि ये डायरेक्ट घोल डालने से क्या होगा, ये इसमें गाढ़ बन जाती है, जम जाता है एक जगह, इसलिए पहले पानी डाल देंगे, और फिर हमारा पिसा हुआ जो बैटर है वो इसमें मिक्स करेंगे, जो मैंने थोड़ा सा पानी में घोला हुआ था। और अब यहाँ पर मैं आगे से इसे जार को धो कर भी
इसमें डाल रही हूँ। जार का पानी निकाल लिया है मैंने, तो ये यहाँ पर घोल सब मिक्स हो गया है। अब हम इसे अच्छे से पकने देंगे और अब पानी यहाँ पे मुझे लगता है और डालना पड़ेगा। तो देखिए मैंने थोड़ा पानी और मिक्स कर दिया है, तो अब ये घोल हमारा इतना रेडी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे, नमक कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पर नमक भी ऐड कर दिया है, आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। यहाँ पर मैं गरम मसाला भी डाल रही हूँ। इस गरम मसाले का वीडियो मेरे चैनल पे है, आप घर में पीस के रखिए, हर चीज़ में थोड़ा सा डालें तो बहुत बेहतरीन टेस्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर बॉईल आने को ही है, तो मैं इसमें ही सारे पकौड़े अभी डाल देती हूँ यहीं पर, ताकि ये पक पक के अच्छे से नरम नरम गादी की तरह हो जाएंगे, तो बहुत बेहतरीन हमारी कढ़ी लगेगी। तो ये हमने इसको पकाना है थोड़ा वेट कर करके। तो देखिए बॉईल आ गया है, तब भी हम इसे धीमे धीमे 10 मिनट पकने को ऐसे ही छोड़ देंगे। और कभी भी ध्यान रखिए, कढ़ी बनाते वक्त आप इसको ढक के मत पकाइए और चम्मच इसके अंदर ही रहने दीजिए, स्टील का चम्मच, क्योंकि चम्मच हटाओगे तो ये दही जो है फट जाएगा, फिर बहुत गंदी लगती है कढ़ी। तो यहाँ पर हमारा देखिए कढ़ी रेडी थी, तो मैंने धनिया भी ऊपर से छिड़क दिया है। और अब ये देखिए कितना खूबसूरत सा खाना लग रहा है ना, बिल्कुल खाने का मन करने लगा होगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कढ़ी की रेसिपी, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करा करें। तो देखिए यहाँ पर हमारी कढ़ी पूरी तरह से रेडी है। अब इसको देखिए कि ये अब कितनी गाढ़ी हो गई है पक पक कर, और इसका कंसिस्टेंसी देखिए कितनी बेहतरीन हुई है ना। तो जब तक इतनी गाढ़ी ना हो तब तक आपको इसे पकाना है। तो देखिए ये कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी हुई है। तो बस हमारी कढ़ी रेडी है, तो चलिए हम इसको चेक करेंगे हमारे जो फुल्की है वो कैसी हुई है। तो मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ आपको। वाह, देखिए कितनी अच्छी गादी की तरह फूली फूली नरम नरम बनी है ना। तो चलिए बस इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सी कढ़ी, और इसके साथ खाएंगे हम रोटी चावल, और आपको अगर पसंद है तो आप खिचड़ी बना लीजिए। ये हर तरह से बहुत बेहतरीन खाना लगता है, बहुत हल्का फुल्का, और हमें बदन में भी ठंडक देता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी कढ़ी फुल्की कढ़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।